Nubia Z50 Ultra जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, फास्ट रिफ्रेश रेट, फुल स्क्रीन डिस्प्ले, अंडर द डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, सुपर बिन डिजाइन, सोनी फ्लेक्सिप पोर्ट्रेट कैमरा, फ्लेक्सिप प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Nubia Z50 Ultra का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन करिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है Nubia Z50 Ultra का ब्लैक कलर में बॉक्स। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं। एक्सेसरीज में सबसे पहले क्लियर केजी मिल जाता है, यूजर मैनुअल, डेटा केबल और 80 वोल्ट का पावर एडेप्टर मिल जाएगा जो पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं Nubia Z50 Ultra के डिस्प्ले की। तो इस बार Nubia Z50 Ultra में न्यू विजन UDC फुल स्क्रीन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, यानी फ्रंट कैमरा अंडर द डिस्प्ले मिल जाता है और साथ में स्टडी स्क्वायर फ्रेम भी मिल जाती है, यानी फोन में 6.8 इंच की एमोलेड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मिल जाती है। रिजोल्यूशन फुल HD प्लस 2480x1116 pixels का मिल जाता है, साथ में 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाती है और टच सैम्पलिंग रेट 240Hz का मिल जाता है, लेकिन गेमिंग में 1000Hz का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट मिल जाएगा। साथ में UDC Pro Plus स्पेशल डिस्प्ले चिप भी मिल जाती है, यानी पिक्चर मोर एक्यूरेट देखने को मिल जाता है और स्क्रीन में 1:1 ड्राइव टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है दैट वर्क्स वेल विद द फ्रंट कैमरा। फ्रंट में 16 megapixel का कस्टमाइज कैमरा मिल जाता है, 2.24 अल्ट्रा मेगापिक्सल की लार्ज पिक्सल साइज मिल जाती है विच टेक्स अ क्लियरर एंड मोर ट्रांसपेरेंट सेल्फीज। साथ में Nubia Z50 Ultra फोन में स्पेशल COP पैकेजिंग प्रोसेस का भी यूज हुआ है विच मेक्स द चीन वेरी नैरो एंड कंसिस्टेंट विद द अदर बॉर्डर्स, यानी फोन में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज्यादा मिल जाता है और ऑलमोस्ट स्क्रीन की ऑल फोर साइड्स आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। Nubia Z50 Ultra के डिजाइन की बात करें तो फोन में बैक देखे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिल जाती है। बैक में बॉर्डरलेस ग्लास पैनल का यूज हुआ है। बैक की डिजाइन यहाँ पे पैरेलल स्पेस और 3 कैमरा मॉड्यूल स्क्वायर में प्लेस किए गए हैं, यानी कैमरा मॉड्यूल थोड़ा हटके देखने को मिलेगा। फोन में 35mm का कैमरा टॉप में मिल जाता है और वहां पे ग्लोसी सरफेस भी मिल जाता है और बॉटम में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है जो पार्ट में स्मूथ एंड मैट एजी फ्लैश सैंड मटेरियल मिल जाता है और कैमरा में स्पेशल डिजाइन मिल जाती है और साथ में रेड सर्कल टेक्सचर भी देखने को मिल जाता है। फोन में पावर बटन राइट में प्लेस किया गया है जो रेड कलर एंड यूनिक टेक्सचर के साथ आता है और पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम एडजस्टमेंट बटन मिल जाता है। साथ में फोन में स्पेशल कैमरा बटन भी मिल जाता है जो प्रेस करने से कैमरा ऐप क्विकली ओपन हो जाती है। यू कैन ऑल्सो सेक द फोन वाइल होल्डिंग दिस फोन टू कैप्चर द फोटोज इंस्टेंटली। साथ में फोन में इस बार एक न्यू फीचर मिल जाता है, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है जो टॉप लेफ्ट में प्लेस किया गया है। साथ में राइट में स्पीकर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मिक भी मिल जाएगा और एंटेना स्ट्रिप भी देखने को मिलती है। बॉटम में देखे तो सिम ट्रे, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है। Nubia Z50 Ultra में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX787 मिल जाता है जो 35mm पोर्ट्रेट लेंस के साथ आता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन को भी सपोर्ट करता है। साथ में नाइट फोटोग्राफी के लिए स्पेशल कोटिंग भी मिल जाता है और सेकंड कैमरा 85mm टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और थर्ड 50 megapixel का 14mm अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है जो 116° फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। साथ में 2 सेंटीमीटर माइक्रो शॉट्स भी कैप्चर कर सकता है। आप यहां पे सिंपल फोटोज देख सकते हैं।
Nubia Z50 Ultra में परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में लेटेस्ट फ्लेक्सी प्रोसेसर Snapdragon 8 Gen 2 मिल जाता है, साथ में LPDDR5X RAM मिल जाती है और UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाता है। फोन में Antutu स्कोर 1.28 मिलियन के ऊपर मिल जाता है, जो Z40 Ultra के कंपेयर में 25% ज्यादा है, जहां पे Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलता था। Geekbench 5 का स्कोर देखें तो सिंगल कोर का 1422 पॉइंट्स मिलता है और मल्टी कोर का 5097 पॉइंट्स तक मिल जाता है। Nubia Z50 Ultra में गेमिंग की बात करें तो हाई एंड गेम Genshin Impact 60 FPS पे हाई सेटिंग पे 15 मिनट्स खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 60.1 FPS तक मिल जाती है और फ्रेम ड्रॉप इश्यू भी यहाँ पे कम से कम देखने को मिलता है, माइनर सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा लेकिन स्टेबिलिटी काफी अच्छी मिल जाती है। साथ में Nubia Z50 Ultra में हाई एंड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाती है विच हेल्प्स कीप द फोन टेम्परेचर डाउन। फोन में लार्ज कूलिंग एरिया मिल जाता है, 4212 स्क्वायर mm का कूलिंग एरिया मिल जाता है जो फोन के टेम्परेचर को कूल रखता है। फोन में हाई एंड गेम में हाईएस्ट टेम्परेचर भी 41.3 डिग्री तक ही जाता है और फ्रंट का जो टेम्परेचर है वो 39.5 डिग्री तक ही जाता है, यानी फोन में कूलिंग परफॉर्मेंस भी बेटर मिल जाता है, स्पेशली सिंस द लार्ज 6.8 इंच स्क्रीन यूजेस द मोर पावर एंड जनरेट मोर हीट। Nubia Z50 Ultra में चार्जिंग की बात कर तो 5000 mAh की यूज बैटरी मिल जाती है और फोन में 80 वोट का चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी चार्जिंग की बात करें तो 10 मिनट्स में 34%, 20 मिनट्स में 62%, 30 मिनट्स में 87% और ऑलमोस्ट 38 मिनट्स में बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। Nubia Z50 Ultra की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 47,200 से शुरू होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में इस बार ज्यादा बेटर अंडर द स्क्रीन कैमरा मिल जाता है, मेन कैमरा भी सुपर मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं और डिजाइन भी काफी अच्छी है। अब देखना यह है कि क्या Nubia अपने फोन्स को इंडिया में वापस लेके आएगी या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं Nubia Z50 Ultra के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।